हेलो भाई, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम देखेंगे महिंद्रा की ऑल्ट्रस G4। आज हम आए महिंद्रा शोरूम ऑल्ट्रस G4 का रिव्यू करने। तो आपका भाई आज आपको बताएगा पूरा रिव्यू ऑल्ट्रस G4 का। ये हम फोर व्हील ड्राइव वेरिएंट देख रहे हैं और ये 4x2 4x4 दोनों में आपको देखने को मिल जाती है। और अगर इसके DRS भी देखें तो यहाँ पर आपको LED कुछ DRS मिल जाते हैं और यहाँ पर प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स जो LED लाइट्स थ्रो करते हैं, काफ़ी बढ़िया लाइट्स लगती हैं इसकी। और नीचे बात करें तो आपको इसमें फॉगलर मिल जाते हैं LED, ये भी काफ़ी मस्त लग रहे हैं। और भाई आपको फ्रंट में दो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो गाड़ी की 244 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, जो भाई काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी ऊँची इस कार को बना देती है। 2865 mm का आपको इसका व्हील बेस मिल जाता है, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा इसका व्हील बेस है। गाड़ी बहुत ही ऊंची है भाई। यहाँ पर आपको कुछ ऐसी ग्रिल मिलती है देखने को, यहाँ महिंद्रा का लोगो। अब भाई आप इसका देख सकते हो बोनट की जो साइज है वो काफ़ी बड़ा है भाई। इसका बोनट यहाँ से कम यहाँ तक काफ़ी बड़ा बोनट आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपको ऐसी लाइनिंग मिल जाती है दोनों साइड, काफ़ी बड़ी लगती है भाई ये गाड़ी। और इसके भाई प्रोफाइल की साइज की बात करें टायर की, तो वो आपको 255/60R18 inch के आपको इसमें टायर मिल जाते हैं डायमंड विद डायमंड कट एलॉयज। और इसमें ऑल डिस्क ब्रेक हैं, चारों आपको डिस्क मिलती है। यहाँ आपका फ्यूल का दे रखा है, गाड़ी सिर्फ डीजल में अवेलेबल है, पेट्रोल में आती नहीं है। और ये कुछ रियर लुक आपको मिलता है कार का। और यहाँ पर आपको ऑल्ट्रस G4 की बैचिंग मिल जाती है, यहाँ फोर व्हील ड्राइव की। और कार में चार रिवर्स पार्किंग सेंसर्स हैं, 1, 2, 3 और 4, चार आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। और यहाँ वाइपर और ये डिफॉगर, कुछ ऐसे आपको टेल लाइट्स मिलते हैं, इंडिकेटर लाइट और बैक लाइट, रिवर्स लाइट। यहाँ कुछ ऐसी ग्रिल मिल जाती है आपको, या महिंद्रा का लोगो। चलिए भाई कार के अंदर चलते हैं। यहाँ पर आपको रुके सेंसर्स भी दिया गया है, को पैसेंजर साइड भी मिल जाता है आपको दोनों साइड। और भाई देखिए आप इसका गेट भाई, मतलब लेदर वगैरह देखे तो काफ़ी मस्त लगती है यार। यहाँ पर आपको दिए गए हैं कंट्रोल्स, यहाँ पर मिरर्स अप एंड डाउन करने के, लॉक अनलॉक का, OVM कंट्रोल करने के। और आपको यहाँ नीचे लाइट भी मिल जाती है। गाड़ी भाई सही में काफ़ी ऊंची है और आप अपनी सीट को हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट। चलिए भाई कार के अंदर चलते हैं। और ये ऑटोमेटिक में आती है, सिर्फ मैनुअल में नहीं आती। देख सकते हो भाई कुछ ऐसा आपको प्रीमियम इंटीरियर मिलता है ऑल्ट्रस G4 का। और अगर इसके एक मिनट इसके MID स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ पर आपको म्यूट और कॉल उठा पिक करने का और वॉल्यूम अप एंड डाउन करने का और मोड्स का मिल जाता है यहाँ पर। यहाँ पर आपको रिज्यूम, यहाँ पर अपना इसका दिया गया है। इसमें क्रूज कंट्रोल भी नहीं है भाई अभी गाड़ी में। और भाई गाड़ी की एक्शोरूम प्राइस की बात करें तो वो आपको मेरी स्क्रीन पर शो रहा होगा। और इसके मीटर देख सकते हैं, मीटर में आपको यहाँ पर फ्यूल का दिखाता है, यहाँ पार्क गाड़ी और 67 कितनी चल चुकी है, 67 और 6000 तक मार्किंग है, डीजल इंजन है और 240 तक मार्किंग इसकी। और भाई अगर क्वालिटी की बात करूँ तो भाई हर जगह की बात करूँ तो बहुत अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया गया है, एक नंबर की जैसे बोलते हैं, यहाँ महिंद्रा का लोगो। और भाई गाड़ी में टोटल 9 एयरबैग्स आते हैं, सेफ्टी मतलब सेफ्टी के लिहाज से देखें तो भाई बहुत बढ़िया है गाड़ी। और इसके मैं क्वालिटी की बात करूं गेट वगैरह की भी, तो हैवीनेस, वो जो हैवीनेस बोलते हैं ना, वो भाई आप दिखती है इसमें। और भाई आपको इसमें यहाँ पर, इसमें आपको 2 ट्विटर्स मिलते हैं और 4 स्पीकर्स मिलते हैं। और यहाँ पर आपको AC वेंट्स दिए गए हैं 4। और ये कुछ इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है आपको, जो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ, ऑक्स सब आपको मिल जाता है इसमें। आईपॉड भी कनेक्ट कर सकते हो इससे।
और यहाँ कंट्रोल देख सकते हो भाई, बहुत कंट्रोल है यहाँ। 1000 लाइट ऑन कर सकते हो आप, यहाँ एसी का आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ 12 वोल्ट का एक चार्जिंग पोर्ट, यहाँ ऑक्स, यहाँ यूएसबी का दे रखा है, और ये भी है भाई कुछ। और भाई गियर काफ़ी इसका बढ़िया, एकदम प्रीमियम लगता है भाई। और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक मिल जाती है इस कार में, यहाँ कुछ कप होल्डर, ये कुछ डस्टबिन, कार की कुछ आपको ऐसी देखने को मिलती है जो भाई बड़ी अच्छी लगती है। XUV300 में भी देखे तो आपको यही ऐसी देखने को मिलती है। ये भाई इसका शीशा सनवाइजर पे भी आपको दिया गया है, और इधर साइड भी आपको मिल जाता है। LED लाइट्स आपको यहाँ मिल जाती है, यह सनरूफ का। और भाई इसको आपको मैनुअल अपने हाथ से ही करना पड़ेगा। यहाँ सनग्लास होल्डर, और भाई बोनट अच्छा एकदम, मतलब प्रॉपर SUV की फील देती है भाई ये गाड़ी एक नंबर। ग्लव बॉक्स भाई पता नहीं ग्लव बॉक्स का क्या सीन है, मेरे को नहीं पता कैसे खुलता है ये, मैं यहाँ से ट्राई कर रहा हूँ, इसमें ये खुल नहीं रही है पता नहीं क्यों मेरे को। सॉरी, यहाँ से यहाँ आकर आपको प्रेस करना पड़ता है कुछ ऐसा, आपको ग्लव बॉक्स मिलता है इसका। और आर्मरेस्ट की बात करें तो भाई कंफर्ट बहुत बढ़िया है इसका, कुछ इतनी आपको स्पेस मिल जाती है। और भाई सीट्स की कंफर्ट की बात करें तो वो बहुत बढ़िया है भाई गाड़ी का कंफर्ट। और यहाँ पर आपको यहाँ से भी आप अपनी उसको रियर वाले डोर को खोल सकते हो, गेट को, टेल गेट को, और यहाँ से लाइट्स को कंट्रोल कर सकते हो कम या हाई अपने हिसाब से, या ट्रैक्शन कंट्रोल, पार्किंग वगैरह का। भाई मतलब फीचर्स में बहुत ही बढ़िया है भाई गाड़ी, पर ये नहीं पता कि क्यों नहीं होती इसकी सेल्स, लोग क्यों इसको नहीं लेते, पर जो भी भाई मुझे तो गाड़ी बहुत पसंद आई है। चलिए भाई इसकी सेकंड रो में चलते हैं और इसका स्पेस देखते हैं। तो भाई सीट्स को पहले उठा लेते हैं भाई, आप यहाँ से इसको टच करके भी खोल सकते हो। और आपको भाई बूट स्पेस में 240 लीटर की मिलती है, लेकिन आप और अगर आप इनको गिरा देते हो तो भाई आपको स्पेस ही स्पेस हो जाती है, पर अभी हमने इनको कर दिया है। चलिए यहाँ से इसको बंद कर देते हैं। चलिए भाई सेकंड रो में चलते हैं और स्पेस चेक करते हैं। स्पेस तो भाई बढ़िया है गाड़ी में, और थर्ड रो की जितना मैं अनुमान लगा रहा हूँ भाई कमी होगी, इतनी तो हो ही नहीं सकती इतने इसमें, मतलब बच्चे आ सकते हैं 8-9 साल तक के, 10 साल तक के, इसमें एडल्ट तो बिल्कुल फिट नहीं होंगे। और यहाँ कुछ आपको AC विंड्स मिल जाते हैं दो, और यहाँ एक 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है आपको, यहाँ USB। मतलब स्पेस की बात करें तो भाई गाड़ी में बहुत अच्छा स्पेस है आप मिल जाता है आपको, यहाँ एक सपोर्ट भी मिल जाता है आपको। और भाई सीट बेल्ट का देख सकते हो काफ़ी बढ़िया है ये तो, और पीछे भी आपको यहाँ पर कुछ स्पेस मिल जाती है, और वहाँ पर आप देखें तो आपको AC मुहाब साइड में भी मिल जाती है उधर, और चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है आपको। तो भाई फीचर्स के मामले में बात करें तो भाई आप देखो, आप यहाँ से इंटीरियर देखो इसका भाई, मतलब फीचर्स में चाहे सेफ्टी में चाहे किसी में ले लो, चाहे पावर में 2.2 लीटर का डीजल इंजन है जो 178 BHP 420 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। मतलब भाई गाड़ी में हर चीज़ है जो चाहिए आपको, लेकिन भाई आपको मतलब एक मतलब वैल्यू फॉर मनी जैसे बोलते हो, पैकेज अच्छा, बहुत अच्छा पैकेज प्रोवाइड कराती है, लेकिन भाई क्यों सेल्स नहीं होती आई डोंट नो। और यहाँ ये आपको प्लास्टिक मिलता है भाई, यहाँ पर आपको लेदर मिल जाता है, ब्राउन लेदर एबोसी, काफ़ी अच्छी है क्वालिटी। इन चीज़ों की इनकी बात करें तो भाई हर जगह क्वालिटी बढ़िया है, मुझे तो भाई गाड़ी बहुत पसंद आई है। 2.2 लीटर का डीजल इंजन, 4 सिलेंडर डीजल इंजन।
तो भाई ये था कुछ एक छोटा सा रिव्यू महिंद्रा ऑल्टोरस G4 का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।